हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेनेस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा। तो गाइस, आप सभी को वैसे ही थंबनेल से देखने से पता लगे क्या होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। यस, नेल एक्सटेंशन के आप सभी को बहुत ये तो अच्छा लगेगा कि मैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे नेल एक्सटेंशन का आप लोगों के लिए कोर्स कर रही हूँ स्टार्ट। और ये जो कोर्स है आप लोगों का बेसिक से लेकर एडवांस तक, इसके अंदर सारा आप लोगों को बताऊंगी मैं वन बाय वन करके। तो गाइस, जो आप लोगों का नेल एक्सटेंशन है, आप सभी को पता आजकल के टाइम पे नेल एक्सटेंशन बहुत ही जो है इन हो रहा है और बहुत ही ट्रेंडी है। तो नेल एक्सटेंशन आप सभी को आ जाए मेरी वीडियो देखकर, मेरी यही कामना है। और आप लोगों को कोई भी क्वारीज होती है मेरी किसी भी वीडियो को देख के, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइस, आप नेल एक्सटेंशन से आप सभी जानते हैं, वैसे नेल एक्सटेंशन आप सभी को पता है कि नेल का एक्सटेंट होना। तो नेल एक्सटेंशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को आज फर्स्ट पार्ट है ये, तो मैं इसमें आप लोगों को पहले बेसिक चीजें बताऊंगी। देखो, हर चीज को करने के लिए ना आपको अपना बेसिक जो है बहुत मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा ना तो आप एडवांस लेवल तक नहीं जा पाओगे, या एडवांस लेवल सीख लोगे तो वो प्रॉपर जो है बिना बेसिक के नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग जो है बेसिक को अच्छे से जान पाए, उसकी नॉलेज ले पाए, देन उसके बाद ही आप लोग जो है एडवांस तक अपना पूरा जो है नेल एक्सटेंशन को सीख पाए। वन बाय वन करके मैं सारी चीजें के अंदर आपको इंक्लूड करूंगी और आपके क्वेश्चनों का भी आंसर दूंगी। जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका भी बिल्कुल जवाब आपको मिलेगा और जो भी आपकी क्वारीज होंगे उसका जरूर यहाँ पे सॉल्यूशन आपको 100% मैं आप लोगों को दूंगी। तो मेरे साथ बनी रहिएगा मेरे चैनल पर। उसके लिए आप लोगों को सभी को पता है सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको मेरी इस नेल एक्सटेंशन के कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मेरी जो वो मिस ना करें। तो चलिए गाइस, चलते हैं जो मैं आज नेल एक्सटेंशन में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं नेल एक्सटेंशन, तो गाइस सबसे पहले जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि नेल्स होता क्या है। ठीक है ना भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए नेल क्या है। तो फर्स्ट हम लोग नेल के बारे में आप ये देखेंगे, नेल नेल आप सभी को पता है हमारे हाथों में नेल्स होती हैं। तो गाइस, जो हमारे हाथों में नेल्स होती हैं, उस नेल के लिए नेल में आप लोग क्या क्या, सबसे पहले तो उसका टेक्निकल नाम जान लेते हैं। इसको टेक्निकल नाम में हम लोग क्या कहते हैं, ऑनिक्स। ये टेक्निकल नेम है नेल का, ऑनिक्स। अब ऑनिक्स में क्या होता है, अब इसके आगे जो भी आप लगाते जाओगे वो फर्दर आगे हम स्टडी आउट करेंगे, वो डिजीजेस के नाम, डिसऑर्डर्स के नाम वो आगे हो जाते हैं। तो जो नेल है हमारा किससे बना हुआ है, नेल हमारा किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ केराटिन। इसका जो कंपोज्ड है वो क्या है, मेड ऑफ केराटिन। अभी किससे बना हुआ है, केराटिन से। केराटिन जो है एक नाम का प्रोटीन होता है जिससे हमारा क्या बनता है, नेल बनता है। अब यही सेम प्रोटीन केराटिन हमारा कहां कहां और पाया जाता है, हमारे स्किन में पाया जाता है, हमारे हेयर में पाया जाता है। तो यही सेम प्रोटीन हमारे स्किन में, हेयर में और नेल में पाया जाता है जिससे जो है हमारी ग्रोथ जो है हेयर की और स्किन जो है काफी अच्छी आपकी नरिश रहती है और नेल की ग्रोथ होती है। सेकंड आप लोगों का क्या है, अब आप लोग कैसे पहचान करें कि हेल्दी नेल जो है वो कौन सा है। तो हेल्दी नेल आपका कौन सा होता है, हेल्दी नेल की क्या पहचान है, हेल्दी नेल। अब हेल्दी नेल क्या होता है, वो व्हाइटिश कलर का होता है, व्हाइटिश कलर का। तो व्हाइटिश कलर का हमारा क्या होगा, वो हेल्दी नेल होगा व्हाइटिश कलर में। और दूसरा क्या होगा, ट्रांस लूसेंट इसका जो है अपीयरेंस होगा।
व्हाइटिश और ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस होगा। जैसे कि आप सब लोग अपने अपने नेल्स देखेंगे तो ऊपर से आप सभी को जो है व्हाइट दिख रहा होगा, कोई भी तरीके का इसका ब्लैक डॉटेड या ब्लैक निशान या व्हाइट डॉटेड इस पर नहीं होने चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो वो नेल्स में प्रॉब्लम होती है किसी की भी डिफिशियंसी के कारण, वो आप लोगों को बताऊंगी क्या डिफिशियंसी होती है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्दी नेल की बात करेंगे कि व्हाइटिश कलर का होगा और क्या होगा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को अंदर से जो अपने जो नेल्स है वो पिंकिश से भी झलकते हैं आप लोगों के, तो वो क्या होता है ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट आप लोगों की हेल्दी नेल में और क्या पहचान है, ये जो नेल होते हैं ये आप लोगों के ड्राई होते हैं और हार्ड होते हैं। ड्राई और हार्ड का मतलब है कि जैसे अगर आप नेल पे टच करोगे तो ये ड्राई फील होता है, ये नहीं कि इस पे ऑयलीनेस आ रहा है या खुदरापन आप लोगों को फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। और ड्राई होता है और हार्ड होता है, ये नहीं कि जैसे किसी किसी के होता है कि भाई फ्री है जाए आगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे जैसे नेल्स बढ़ जाता है आप लोगों का वो टूट रहा है, तो वो क्या है वीक होते हैं। तो हेल्दी नेल में आपकी एक और क्या पहचान है इसके अंदर, ये क्या होते हैं हार्ड होते हैं एंड हार्ड होते हैं और क्या होगा ड्राई होते हैं, ठीक है। अब नेल के अंदर क्या होता है 15 से 25% जो है वाटर कंटेन होता है। देखो गाइस सभी कहते हैं हमारी जो बॉडीज है ना वो 70% वाटर से बनी है। देखो हमारी बॉडी में वाटर जाना बहुत ही जरूरी है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, वाटर इनटेक अपना पूरा प्रॉपर आप लोगों को लेना चाहिए जिससे आप लोगों की बॉडी में जो है ना वाटर की कोई कमी ना हो। थर्ड आप लोगों का क्या है इसके अंदर कि हमारी नेल की सर्विसेज, आप सभी को पता है नेल को क्लीन करने के लिए हमारी नेल्स की सर्विसेज चलती है। फर्स्ट इज मैनिक्योर। देखिए मैनिक्योर क्या होता है, मैनिक्योर क्या होता है हैंड्स की, हैंड की जो होती है वो उसमें केयर होती है। फिर है पेडिक्योर। पेडिक्योर में क्या होता है आप लोगों के फीट के केयर होती है इसके अंदर, और हमारे क्या होते हैं नेल एक्सटेंशन। नेल एक्सटेंशन आप सभी को पता है, नेल एक्सटेंशन मींस नेल्स को जब हम करते हैं एक्सटेंड, जैसे कईयों के होता है देखो गाइस नहीं नेल्स बढ़ते हैं, कोई भी रीजन होता है समटाइम्स जो आप लोगों के जेनेटिक रीजन भी हो सकता है, समटाइम्स आप लोगों के क्या होता है कि कोई नेल बाइट करता है तो नेल्स जल्द के इजली नहीं बढ़ते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। आजकल नेल एक्सटेंशन आ चुका है, आप नेल एक्सटेंड करवा सकते हैं। और नेल एक्सटेंशन का मैं आप लोगों को धीरे करके और आगे बताऊंगी, जब हम लोग बेसिक से धीरे धीरे एडवांस की तरफ हम लोग देखो बढ़ेंगे, मैं एकदम से एडवांस लेवल पे नहीं जाऊंगी क्योंकि उसको बताने का मुझे कोई फायदा नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जब भी कोर्स कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा सीखें। ये नहीं कि खाली एडवांस आपको कोई बता दे और आपने सीख लिया और फिर आपको पता चलता है जी बेसिक तो हमें आता ही नहीं, और फिर बेसिक पता ही नहीं होगा आप लोगों को तो एडवांस लेवल को आप प्रॉपर कैसे कर पाओगे। तो इसलिए आपको बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, नेल्स के बारे में सब बातें पता होनी बहुत जरूरी है, तभी आप किसी को बेटर अच्छा आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, किसी की मैनिक्योर पेडिक्योर या नेल एक्सटेंशन आप बहुत अच्छे से कर सकोगे। तो गाइज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई भी क्वारी हो आपकी तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट आपके वेट करती हूँ आपकी कमेंट्स का, ताकि आप लोग की कोई भी क्वारी हो तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ओके गाइस बाय बाय, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब आपके साथ मिलेंगे।